नमस्कार। मैं देश के उन सभी शहीदों को आज स्मरण करूंगा, उन्हें नमन करूंगा जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान हमें मिला है और उस संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिलावासियों को, देशवासियों को, मेरी विधानसभा वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब लोग मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जो संदेश है, पावन पवित्र तिरंगा झंडा फहराकर जो हमें संदेश देती है, हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा। पुनः सबको गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस को हम उत्सव के रूप में मनाएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो हमारा देश भारत में है, तो देश के संविधान के लागू होने का जो ये दिन है गणतंत्र दिवस का, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने फर्ज निभाते जाएं और अच्छे देशवासियों की तरह इस देश को आगे पहुंचाने में अपनी जो अपना जो रोल है वो अच्छे से निभाएं। थैंक यू। मेरी तरफ से पूरे नीमच जिला वासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहा है, जिस दिन भारत का संविधान लिखा गया था, और उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को मेरी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नीमच में हमने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि 26 जनवरी से पूर्व 21 से 25 तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि व्याख्यानों के माध्यम से, जो संविधान की महत्वपूर्णता बताते हैं, संविधान की रचना के बारे में बताते हैं, ऐसे और पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हैं जो 26 जनवरी से संबंधित है, या रैलीज हैं जो जिनका आयोजन कल स्कूल्स में किया गया था। तो प्रयास है कि जो जन सामान्य में, जो स्पेशली हमारे जो बडिंग स्टार्स होते हैं, यानी हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सब में भी वही पेट्रियटिज्म की जो भावना होती है वो रहे, वो भी समझें कि हमारा जो इतिहास रहा है वो कितना गौरव से भरा हुआ हमारा इतिहास है, और किस प्रकार से संविधान की रचना की गई थी। गणतंत्र दिवस भारतीय जनशक्ति के नेतृत्व की पहचान के रूप में हम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हैं इस समय, और जिले में खुशहाली, अनुशासन और संपन्नता हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं करती हूँ। पूरे नीमच जिले के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व रिहर्सल उत्कृष्ट क्रमांक 2 विद्यालय पे हुई है। बहुत ही उत्साह और जोश के साथ बच्चों सहित सभी पार्टियों ने जम के मेहनत की है, पसीना बहाया है 26 जनवरी जैसे महान पर्व की तैयारी के लिए। मैं पूरे नीमच वासियों को इस गणतंत्र दिवस के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरी यही आशा है कि हम सभी इस दिन, इस खास दिन को अपने शहीदों को, अभी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको याद करें और ये प्रण लें कि नीमच को और पूरे मध्य प्रदेश को आगे से आगे ले जाएंगे। जिला पुलिस बल नीमच की तरफ से पूरे नीमच वासियों को और सभी जनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की नीमच जिला वासियों और प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नीमच जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लें, उपस्थित हों, उत्साहपूर्वक मनाएं, और गणतंत्र दिवस के दिन शाम को टाउन हॉल नीमच में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कबीर भजन गायक और लोक कलाकार लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि भारत पर्व कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की सभी नीमच जिले वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज हमारा संविधान
को लागू होने का दिवस है और हम यही इस बार प्रतिज्ञा करें कि जो हमारा संविधान है, जो आज वर्तमान देश की स्थिति है, जो संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम शपथ लें कि आज जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और जो देश के हित के लिए, देशी जनता के हित के बनाया था, उसी पुराने संविधान को लेकर जो हम लोग शपथ लें ताकि हम संविधान जिंदा रख सकें। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमको हमारा अपना संविधान मिला, देश को अपना संविधान मिला, उसकी पूरे जिलेवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 26 जनवरी इसलिए भी हम लोगों के लिए विशेष है क्योंकि राष्ट्रभक्तों का जो सपना था भारत अखंड बने, राष्ट्रभक्तों का जो सपना था भारत सोने की चिड़िया बने, राष्ट्रभक्तों का सपना था कि स्व का भाव सब में जागृत होकर प्रत्येक भारतीय के अंदर एक स्वाभिमान का भाव जागृत हो कि शून्य भारत ने दिया और इस भारत ने बहुत कुछ इस पूरी दुनिया को दिया, तो भाव जागृत होते हुए देश अब आगे बढ़ चला है। और इसलिए ये 26 जनवरी उन मायनों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी जिलेवासियों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं एवं इस अवसर पर ये कामना करता हूं कि हमारा राष्ट्र निरंतर उन्नति और विकास की ओर बढ़े, सभी समृद्ध परिवार समृद्ध हों, यही शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।